in the end I joined Vedantu's Eklavya batch where there were some wonderful teachers. I remember there was Singh Parihar sir for chemistry. They really encouraged me, they really motivated me, and I thank them truly and deeply for whatever I have achieved in life. इंतजार नहीं कराऊंगा मैं पवित और पवित के नाना और नानी और मम्मी. तो पवित जी कुछ कहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने सारे टीचर्स को बहुत थैंक करना चाहती हूँ अपनी अचीवमेंट के लिए, कि अगर मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स एंड ऑफ कोर्स द ऑलमाइटी के जितना भी आज मैंने अचीव किया है वो उन्हीं की वजह से किया है. थैंक यू वेरी मच. अच्छा पवित जी, जैसे जो जूनियर्स हैं आपके, जो छोटे और बच्चे आ रहे हैं, मतलब आपके लिए तो जूनियर्स ही हुए, तो कभी आप जैसे आपके मार्क्स कम आए हों, कभी परेशान हुए हों, तो आपको क्या लगता था कि आप करें तैयारी या और दम लगा के आप तैयारी करते थे? नहीं, जब भी मार्क्स कम आते हैं आई थिंक उसे एक पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह लेके चलना चाहिए और अपना और बेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए. अपने आप को प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूँगी और मार्क्स लेने की कोशिश करूँगी आई गेस. अच्छा पवित जी, आपने जैसे टीचर्स के बारे में बताया, तो आपके नाना नानी का कितना, देखिए नाना नानी से पूछूंगा वो तो नहीं कहेंगे, वो तो जानते हैं कि बड़े लोगों को कभी क्रेडिट लेने की आदत नहीं होती. आप बताइए कि कैसे सपोर्ट किया? नहीं, जितना भी टाइम आई थिंक मेरी लाइफ में मैंने मैक्सिमम स्पेंड किया है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही किया है. सो उनका रोल या उनकी वैल्यू जो मेरे पूरे जर्नी में है उसको तो कोई आप वर्ड्स में भी नहीं एक्चुअली बता सकते. मेरी मदर, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, देर इज़ सच अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन कि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के बिना मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाती. तो सबसे बड़ा थैंक यू और सबसे बड़ा आई थिंक अचीवमेंट का ये जो पार्ट है वो उन्हीं लोगों का है एक्चुअली. अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन बस पवित जी से पूछना चाहूँगा मैं, कि जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं कि आप फर्स्ट रैंक लाओ, कज़िन ये लाया था, घर में मैं ये रैंक लाई थी, आपके मम्मी ने कभी प्रेशराइज किया? नहीं, मेरी मम्मी ने कभी प्रेशराइज नहीं किया. मेरे कितने भी मार्क्स आते थे, मेरा कितना भी रैंक आता था, कोई बात नहीं, अगली बार से ये कोई नीट तो नहीं है. तो जो भी आखिरी में भी अगर किसी टेस्ट में मेरे कम आए थे वो यही कहती थी, कोई बात नहीं, नीट इज द मेन एग्जाम, कितने भी आ जाए डजंट मैटर राइट नाउ, व्हाट मैटर्स इज द एक्चुअल डे. सो मेरे पे कभी भी ये कोई प्रेशर नहीं था इस चीज का. तो फाइनली पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज है, कभी बच्चों को प्रेशराइज नहीं करें और बच्चे मेहनत करते रहते हैं चाहे वक्त कैसा भी हो. ऑल द बेस्ट पवित, ऑल द बेस्ट.